हाय फ्रेंड्स, इस प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी और आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव्स के अंदर तीसरी जो इफेक्ट है वो देखने वाले हैं, जो कि हैमर ब्लो है। पिछले जो दो एपिसोड थे उसमें हमने दो इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब ये हैमर ब्लो क्या है, तो अब ये जो होता है, हमने पता है हम जब बैलेंसिंग करते हैं तो हमें दो फोर्स लगते हैं। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसके लिए हमने अनबैलेंस फोर्स लगेगा, वो हमने पढ़ लिया है पिछले एपिसोड में, जो था हमारा अट्रैक्टिव फोर्स और स्विंग कपल। अब ये जो वर्टिकल फोर्स लगता है वो हमें पता है, दैट इज एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी साइन थीटा। सो दिस इज वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, क्योंकि अनबैलेंस करेगा। सो वर्टिकल जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी साइन थीटा होता है। तो अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो लोकोमोटिव होता है, वो लोकोमोटिव सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रेन के अंदर, ठीक है। सो इट इज यूज इन द ट्रेन, लोकोमोटिव इंजिन होता है। तो अब क्या होता है कि जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स और रेल, व्हील और रेल, इन दोनों के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द व्हील्स एंड ऑन द रेल्स, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वेरिएशन इन प्रेशर, तो क्या होता है कि रेल के ऊपर हैमरिंग एक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं हैमर ब्लो। दैट्स व्हाई इस इफेक्ट को हैमर ब्लो भी बोला जाता है। तो हमें पता है कि जो वर्टिकल, जो व्हील के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जो लगेगा फोर्स, वो होगा एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी साइन थीटा। लेकिन वो मैक्सिमम कम होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब 90 या 270 रखेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। सो वर्टिकल मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स कितना होगा, एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी, कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 और 270 होगी तब। और दूसरी एक चीज, मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग ड्रॉ करा, तो आप देख रहे हो व्हील, ये लोड है, व्हील का लोड है पूरा का पूरा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा होगा दैट इज ड्यू टू वेट, जो होगा एमजी। लेकिन जो अपवर्ड फोर्स लगे, क्योंकि बैलेंसिंग मास लगाया हुआ है, सो वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपको लग रहा है वो क्या है, एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करता हूं तो। सो आपके पास यहाँ पे टू फोर्स लगे हुए है, एक है एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी और एक है एम जी। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है। सो दिस इज फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ व्हील। सो यहाँ पे जीरो डिग्री है, 90 डिग्री है, मैंने आपको बताया कि वर्टिकल अपवर्ड फोर्स मैक्सिमम होगा, फिर 180 पे अगेन जीरो हो जाता है, 270 पे अगेन वो मैक्सिमम होगा और 360 पे अगेन वो जीरो हो जाता है। तो इस फॉर द वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ व्हील। अब ये जो W इज इक्वल टू एम जी है वो तो फिक्स ही रहने वाला है, दैट इज ड्यू टू लोड। और ये जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है उसका वेरिएशन हम इस तरीके से देख रहे हैं फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो होगा क्या कि मैक्स टू मैक्स क्या होगा कि जब एक ऐसी पोजीशन आएगी तो ये इतना लोड प्लस ये, तो ये मैक्सिमम एडिशन होने वाला है। सो दिस W प्लस इतना कितना है एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी, तो इस दोनों का समेशन होगा, तो ये मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, तो मैक्स टू मैक्स W प्लस एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी हो सकता है। और मिनिमम टू मिनिमम कहां पे हो, तो यहां पे देखिए आप नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है, सो ये माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी, और ये कितना है W है। सो हमें क्या करना है, इतना चाहिए, वी वॉन्ट दिस, सो दिस इज W एंड दिस इज एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी। तो ये इतना छोटा सा बच जाएगा, वो क्या होगा, W माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी। सो नेट प्रेशर वेरिएशन बिटवीन द व्हील और रेल कितने होने वाले हैं, W प्लस और माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी। अब आप देखिए कि जब W की वैल्यू एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी से कम हो जाएगी, व्हेन W इज लेस देन एम बी ओमेगा स्क्वायर आर बी, तो क्या होगा, इक्वेशन आपका पूरा नेगेटिव चला जाएगा। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब तो ये होगा कि व्हील विल बी लिफ्टेड फ्रॉम द रेल, जो रेल पे चल रहे वो व्हील ही लिफ्ट हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन अगर W लेस देन होगा तो इक्वेशन नेगेटिव होना चाहिए। तो हमें मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए W की, लिमिटिंग वैल्यू। सो मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए W की वैल्यू, एम बी ओमेगा स्क्वायर आर जितनी तो होनी चाहिए। सो दिस इज लिमिटिंग कंडीशन फॉर W, समझ में आ गया। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड, सो हमें मिनिमम एंगुलर स्पीड कितनी रखनी होगी, सो यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाइए, स्विफ्टली अंडर रूट W अपॉन एम बी आर बी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये हैमरिंग एक्शन यानी हैमर ब्लो हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।